Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our third chapter, Interior of the Earth, and our today's topic is volcano. So today we are going to study about volcanoes and volcanic landforms. Students, you may have seen photographs or pictures of volcanoes on a number of occasions. A volcano is a place where gases, ashes, and the molten rock material like lava escapes to the ground. स्टूडेंट्स आपने फोटोज देखी होंगी, पिक्चर्स देखे होंगे वॉल्केनो के, और उन वॉल्केनिक पिक्चर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि मॉल्टन मटेरियल जिसे हम लावा कहते हैं वो जमीन के अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है, और उस समय न सिर्फ ये लावा बाहर आता है, इसके साथ में विद हाई अमाउंट ऑफ गैसेस एशेज और मॉल्टन रॉक मटेरियल्स भी बाहर आते हैं, राइट? तो a volcano is called an active volcano if the materials mentioned are being released or have been released out in the recent past. So, aise areas ko active volcano areas kaha jata hai, jahan par aas paas ke pichle samay se lagatar volcano jo hai wo explode ho rahe hain. So, the layer below the solid crust is mantle. Humne kal discuss kiya tha structure of layer ke bare mein. तो जो सॉलिड क्रस्ट है उसके नीचे की परत मेंटल कहलाती है, राइट? एंड इट हैज हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ द क्रस्ट, और इस मेंटल की क्रस्ट के कंपैरिजन में हायर डेंसिटी होती है. द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन, और हमने ये भी पढ़ा था कि इस मेंटल में एक वीकर जोन होता है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, 400 किलोमीटर वाला जोन. इट इज फ्रॉम दिस दैट द मॉल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द सरफेस, और ये वही वीकर पॉइंट है जहां से बेसिकली ये वॉल्केनो जो मॉल्टन रॉक मटेरियल है ये अपना रास्ता ढूंढते हैं और बाहर आ जाते हैं. सो द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा, और जो मटेरियल अपर मेंटल पोर्शन से बाहर आता है उसे मैग्मा कहते हैं. वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस इट इज रेफर्ड टू एज लावा, और जब ये मैग्मा लेयर को क्रॉस करके बाहर आ जाता है तो इट बिकम लावा. वापस से सुनना एक बार, ये जो अपर मेंटल है जिसमें मॉल्टन रूप में मटेरियल्स पाए जाते हैं उस मॉल्टन मटेरियल को मैग्मा कहते हैं जब तक वो अपर मेंटल पोर्शन में रहता है, और जब ये अपर मेंटल पोर्शन को एस्थेनोस्फीयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाता है इट कॉल्ड्स लावा. सो द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट, गैसेस such as nitrogen compounds, sulfur compounds and minor amounts of chlorine, hydrogen and argon. They all comes from the inner side, right? तो जब मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा के बाहर आने के बाद लावा तो बनता ही है, और इस लावा फ्लो के साथ साथ बहुत सारे पायरोक्लास्टिक डेब्रीज होते हैं, इसमें वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, एशेज होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वैरायटी ऑफ गैसेस होती है जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ऐसी गैसेस इनमें होती. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द वॉल्केनिक हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इन द वॉल्केनिक एरियाज हैविंग, राइट? नाउ लेट कम्स टू द वॉल्केनोज. स्टूडेंट्स, वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन. इरप्शन के अकॉर्डिंग कैसा इनका नेचर है इरप्शन का, उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्केनो को क्लासिफाई भी कर सकते हैं. एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस, और किस तरीके से सरफेस पर डेवलप करते हैं इसके अकॉर्डिंग भी. सो हियर मेजर टाइप ऑफ वॉल्केनोज आर गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल शील्ड वॉल्केनोज बैरिंग द बेसाल्ट फ्लो, द शील्ड वॉल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज ऑन द अर्थ. And the basic example is Hawaiian volcanoes. They are very much famous for the shield volcano. तो वो shield volcano की picture. इस तरीके से अर्थ के अंदर से
वॉल्केनो बाहर निकलता है और इस तरीके का एक क्रेटर जो है इसे बाहर आता है और ये पूरा सब्सटेंस बाहर डिपॉजिट हो गया, शील्ड बना दी इसने धीरे धीरे डिपॉजिट करके। देखो ये सारा चीज, ये सब शील्ड है जो अंदर के इंटीरियर पार्ट से निकल के आए, दैट इज कॉल्ड द शील्ड वॉल्केनो, राइट। नाउ सिंडर वॉल्केनो, द सिंडर वॉल्केनो इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द वॉल्केनो। दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूड व्हेन इरप्टेड, and for this reason these volcanoes are not steep, they become explosive if somehow water gets into the vent, otherwise they are characterized by low explosivity and ab main aarti utaru ओहो। गलती हो गई, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, कोई नहीं है, गलती हो गई, अब तो हो ही गई, अब क्या करूं, दोबारा पढ़ाऊं, अब तो दोबारा पढ़ाऊं मैं, इतनी मेहनत से इतना अच्छा सा बन चुका था तो हाई करना जरूरी था। राधे राधे, इट्स माय मिस्टेक, टोटली माय मिस्टेक, ना आई एम हैप्पी टू सी यू, दी स्टूडेंट्स देयर आर टू इमेजेस गिवन इन योर बुक, वन इज शील्ड वॉल्केनो एंड वन इज सिंडर वॉल्केनो। देखिए दोनों इमेजेस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, शील्ड वॉल्केनो में किस तरह से वॉल्केनो जो है वो बाहर की तरफ आकर के फैला है, और सिंडर वॉल्केनो में लैंड एरिया के चारों तरफ बहुत बड़े आकार में ये डेवलप हुआ है। ठीक है, दोनों पिक्चर से इनके डिफरेंशिएशन का अंदाजा लग रहा है। तो ऐसे वॉल्केनोज बेसिकली शील्ड वॉल्केनो कहलाते हैं जो कि बेसाल्ट फ्लो से शुरू होते हैं, एंड दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑन द अर्थ, ये सबसे बड़े वॉल्केनो होते हैं अर्थ के। ज्यादातर ऐसे वॉल्केनो हवाईयन जो द्वीप है वहां पर मिलते हैं। दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूड व्हेन इरप्टेड, ये बेसिकली बेसाल्ट से बनते हैं, एक तरह का लावा है जो कि काफी फ्लूइड तरीके का होता है, एंड फॉर दिस रीजन दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप, और इसी वजह से ये स्टीप नहीं होते हैं, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे नहीं फैलते हैं। जब भी एक्सप्लोजन के साथ में लावा फटता है तो वो थोड़ा ऊपर तक उठता है और उसके बाद में फैलता है। ठीक है, सो दे बिकेम एक्सप्लोजिव इफ सम हाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, और एक्सप्लोजिव भी कब होते हैं, जब किसी तरह से इनके वेंट में पानी चला जाता है, अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज बाय लो एक्सप्लोजिविटी। And upcoming lava moves in the form of fountain. और बाहर कैसे लावा आता है, जैसे कोई फाउंटेन फट पड़ा है, फाउंटेन देखते हो ना, अचानक से फव्वारा निकला हो, वैसा कोन शेप बन जाता है जहां से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और फिर धीरे धीरे जब डिपोजिशन हो जाता है तो सिंडर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंडर कोन बन जाते हैं। सेकेंड वन इज कंपोजिट वॉल्केनो, दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज by eruption of cooler and more viscous lavas than basalt. तो ये जो volcanoes हैं, composite volcano, ये in comparison to previous volcano ठंडे होते हैं और more viscous होते हैं basalt के comparison. These volcanoes often result in the explosive eruption along with lava and large quantities of pyroclastic material and ashes find their way ग्राउंड। इसमें से ज्यादातर पहले धूल का गुब्बार निकलता है, एंड दिस मटेरियल एक्युमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर, और ये कहीं ना कहीं जो लेयर्स बनती हैं उनके अंदर से अपीयर होती है, एंड मेक दिस मेक्स द माउंट्स अपीयर्स एज कंपोजिट वॉल्केनोज।
इस तरीके से निकला और पूरे एरिया में ये देखो ये पूरा डिपोजिशन है, इसे कहते हैं कंपोजिट। धीरे धीरे निकलते हैं, इसकी खासियत ये है कि ये फाउंटेन की तरह से फटते नहीं है, बल्कि पहले इनके अंदर से राख निकलती है, फिर उसके बाद में डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, गैसेस निकलती है, और फिर धीरे धीरे जो लावा है, मैग्मा जो है वो धीरे धीरे फैलता है, लावा बनता है। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ कालडेरा, कालडेरा दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ्स वोल्केनो। कालडेरा बहुत ही एक्सप्लोजिव होते हैं, दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन द इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। एक्सप्लोजिव और कब हो जाते हैं? जब इनका कोलैप्स अपने ही अंदर होता है। द कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कालडेरास। और कालडेरास क्या होते हैं? अंदर ही अंदर फटना शुरू होते हैं। And their explosiveness indicates that magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in close vicinity. और इसका explosiveness ही बताता है, indicate करता है कि जो magma का chamber है, जो lava supply कर रहा है, वो ना सिर्फ बड़ा है, बल्कि काफी close vicinity वाला भी है. Right? Flood basalt provinces. These volcanoes outpour highly fluid lava. इसमें से बहुत सारा फ्लूड लावा निकलता है बेसाल्ट प्रोविंसेस में से, दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि बहुत लंबी दूरी तक बहता रहता है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। और जहां पर इस तरीके का फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस है, वहां पे फ्लडेड एरिया ही होता है, पूरा का पूरा प्रोविंस, हजारों किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये लावा जो है वो कवर कर लेते हैं और काफी मोटी परत बना देते हैं। There can be series of flows with some flows attaining thickness. और इसका इसमें लगातार series of flows होते हैं, लगातार एक के बाद ज्वालामुखी जो है बाहर आता रहता है और इसकी वजह से thickness जो है वो increase हो जाती है। So individual flow may extend for 100 km. अगर एक ही बार flow होता है तो वो 100 km तक का होता है, पर अगर लगातार flow बढ़ता जाता है तो ये 1000 of km का area cover कर लेता है। The Deccan traps from India presently covering most of the Maharashtra plateau are a much larger flood basalt province. और इसका सबसे better example इंडिया में ही है, Maharashtra plateau. ये flood basalt provinces का ही example. And it is believed that initially the trap formation covered a much larger area than the present. And last, mid-ocean rich volcano. Yes, ocean के बीच में भी volcanic eruption होते हैं। ओशियंस के बीच में चट्टाने पाई जाती है और उनमें जो इरप्शन होते हैं उनको कहा जाता है मिड ओशियन रिच वॉल्केनो। तो दीज वॉल्केनोज अकर्स इन द ओशनिक एरियाज। देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशियन रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग दैट स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशियन बेसिन। आपको पता है सभी ओशियन बेसिन में 70,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा स्ट्रेच है इन रिजेस का। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन। और जो सेंट्रल पोर्शन होते हैं रिजेस के, उनमें से फ्रीक्वेंट इरप्शन होता है, लगातार इरप्शन होता है। और सबसे बड़ा, सबसे लंबी रिज जो है वो अटलांटिक ओशियन में, और बहुत फेमस भी है अपने वॉल्केनिक इरप्शन की। तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। नाउ वी डिस्कस वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब ऑब्वियसली है कि जब अंदर से मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर वो कुछ नया स्ट्रक्चर तो डेवलप करेगा ही। तो द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। जब लावा रिलीज होता है वॉल्केनिक इरप्शन से और जब वो लैंड एरिया पर आकर ठंडा होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है। एंड द कूलिंग मे टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द सर्फेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रस्टल कोर। और इसका जो ठंडा होने का सिस्टम है, या तो तब शुरू होता है जब लावा सरफेस पर आता है, या फिर कई बार लावा जब मैग्मा के रूप में ही होता है तभी क्रस्टल पोर्शन में ही ठंडा होने लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड। तो अब फिर डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सा है लावा के ठंडे होने का, और इसी के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाइड किया जाता है। वॉल्केनिक रॉक में कूलिंग एट द सरफेस, जो कि सरफेस पर आकर ठंडी होती है, और प्लूटोनिक रॉक्स जो कि क्रस्ट में ही ठंडी हो जाती है,
जो बाहर नहीं निकल पाती है. तो द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स. तो ऐसे लावा जो कि क्रस्टल पोर्शन के अंदर ही ठंडे हो जाते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स. और इन्हीं फॉर्म्स को हम लोग इंट्रूसिव फॉर्म्स के नाम से जानते हैं. सी द फिगर. हियर अ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. देखो यहाँ से लावा निकल रहा है. ये बैथोलेट एरिया है. यहाँ से लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ नहीं आ पाया, यहीं रह गया. फिर यहाँ से लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ वेन्स में जाकर के इकट्ठा हो गया. इसने नई लैंडफॉर्म बनाई इंटीरियर पार्ट में और इसको कहते हैं सिल. ठीक है, अगर यूं लंबा जाकर के डिपॉजिट हो गया और बाहर नहीं निकल पाया तो ऐसी खड़ी आकृति कहलाती है डाइक. फैल गई तो सिल. फिर अगर लावा जो है निकला, यहाँ लेयर में डिपॉजिट हुआ और ऊपर आया, फिर एक लेयर में डिपॉजिट हुआ और ऊपर आया और फिर अंदर ही लैंड एरिया को उठा दिया उसने और पर बाहर फिर भी नहीं निकल पाया. ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वो लैकोलिथ कहलाता है. ऐसा डिपोजिशन लैकोलिथ. ठीक है, ये है लावा का बाहर आने का तरीका. कई बार ऐसा होता है कि लावा जो है सरफेस तक आ ही जाता है और आने के बाद फैलता है. देखो लावा फ्लो, लावा का फ्लो हो रहा है तो कैसा हो रहा है, रेडिएटिंग डाइक के रूप में हो रहा है. देखो ऐसा चारों तरफ फैल रहा है. यहाँ देखो यहाँ भी एक लावा निकल रहा है जो गोल सी आकृति बना रहा है. इसे कालडेरा विद सिंडर कहा जाता है और कोन शेप बना रहा है और फिर यहाँ पे लावा का फ्लो. यहाँ से लावा निकलने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे ऐश कोन विद वॉल्केनिक डोम बन रहा है. ये फिर सिंडर कोन बन रहा है और जब लावा जो है डिपॉजिट हो गया और अबव उठ गया, दैट इज कॉल्ड लावा प्लीटू. हाइट थोड़ी नीचे है और कम एरिया में डिपॉजिट हुआ लावा मेसा. दिस इज कंपोजिट वॉल्केनो. अंडरस्टूड? ये डिफरेंसेस हैं. आप ये पिक्चर्स ध्यान में देखिए, आपको डिफरेंट टाइप के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्लियर समझ में आएंगे. जो लैंड के लैंड एरिया के इनर साइड में बन रहे हैं वो भी, यानी कि जहां से वॉल्केनो बाहर नहीं आ सका तो अंदर ही अंदर अलग तरह के फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है जब लावा ठंडा हो जाता है तो. और वो लावा डिपोजिशन या वो लावा इरप्शन जिसको बाहर आने का मौका मिला, उसने लैंड सरफेस पर ऐसी डिफरेंशिएटिव लैंडफॉर्म क्रिएट की. अंडरस्टूड? तो अकॉर्डिंग टू द डिपोजिशन देयर आर सेवरल काइंड ऑफ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द वॉल्केनोस एंड दीज आर बैथोलिथ्स, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक एटसेट्रा. लेट अस एग्जामिन. फर्स्ट ऑफ ऑल बैथोलिथ्स, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम. जब बहुत बड़े डोम में लावा डिपॉजिट होने लगता है अर्थ की गहराई पर ही, बहुत ही डीपर क्रस्ट में, तो ऐसी आकृति को, डोम शेप आकृति को बैथोलिथ कहते हैं. They appear on the surface only after the denudation process remove the overlying material. और ये बाहर कब आता है? अगर किसी वजह से, जैसे ये लेयर है, लेयर के अंदर लावा ऐसे डोम शेप में इकट्ठा हो गया और यहाँ पर बहुत ही हार्ड मटेरियल सब्सटेंसेस थे और इनको ये तोड़ नहीं पाया और यहीं पर डिपॉजिट हो गया, तो इसे कहते हैं बैथोलिथ. अगर ऊपर के फोर्सेस की वजह से ये ऊपर वाली परत हट जाए और इसको बाहर निकलने का मौका मिल जाए, डेनुडेशनल प्रोसेस की वजह से बाहर आ जाए, तो ये सरफेस पर अपीयर होगा और ये डिफरेंट टाइप के नए फॉर्मेशन बनाएगा. तो दे कवर लार्ज एरियाज एंड एट टाइम अज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर एंड दीज आर ग्रेनेटिक बॉडीज. बैथोलिथ आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर. बैथोलिथ जो है वो मैग्मा के कूलेस्ट चैम्बर होते हैं क्योंकि बाहर नहीं आ पाते. तो अगर कुछ मैग्माज ऐसे हैं जो बाहर नहीं आ पाते और अंदर की लेयर में ही ठंडे हो जाते हैं तो बड़े बड़े चैम्बर जनरेट कर देते हैं. अंडरस्टूड? सेकंड है लैकोलिथ. दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज. ये भी बड़े बड़े डोम शेप
इंट्रूसिव बॉडी होते हैं विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो एंड इट रिजेंबल्स द सरफेस वॉल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो. कैसा होता है, ये भी ऐसे डोम शेप होते हैं लेकिन अंदर जो है ये कहीं ना कहीं पाइप से जुड़े होते हैं और उसके बाद में आकर के लावा जो है बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे ऊपर इस तरीके से अर्थ के अंदर ही डिपॉजिट होने लगता है. तो पाइप से जुड़े हैं और बाहर नहीं आ पाए, दैट इज कॉल्ड लैकोलिथ. इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज सरफेस ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस. इसमें कोशिश करता है लावा अपना जगह ढूंढने का बाहर आने के लिए. द कर्नाटका प्लेटो, अब ये क्या करता है जब इस तरीके से होता है तो लैंड एरिया को ऊपर उठा देता है, तो एक प्लेटो रीजन जनरेट हो जाता है. और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कर्नाटका प्लेटो. कर्नाटका प्लेटो इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स. इसके अंदर में ग्रेनाइट रॉक्स की डोमल हिल्स पाई जाती है और ऊपर का पार्ट जो है वो ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी ऊपर सरफेस उठ गया है, राइट. सो नाउ एक्सप्लॉइटेड आर एग्जाम्पल ऑफ लैकोलिथ और पैथोलिथ. नाउ लैकोलिथ, पैकोलिथ एंड सिल्स. As and when the lava moves upward, a portion of the same may tend to move in a horizontal direction, where it finds a beak. देखो क्या होता है, जैसे जैसे लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जहां पर कमजोर एरिया होता है ये उसमें भी फैल जाता है ऐसे, ठीक है. और जब ये ऐसे फैलता है तो ये क्या बनाता है, सिल बनाता है. फिर ये ऊपर आता है और कहीं पर नहीं फैल पाता, ऐसा एरिया जो है डाइस बनाता है. सी द फिगर, ये देखो, वापस से देखो इस फिगर को, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. बैथोलिथ एरिया से लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाएगा पर यहाँ पर इसको कमजोर एरिया मिला तो यहाँ भी थोड़ा सा डिपॉजिट हो गया. फिर ऊपर जा रहा है, डाइक कहलाएगा, फिर थोड़ा सा फैल गया, फिर ऊपर जा रहा है, डोम शेप क्रिएट किया तो ये लैकोलिथ बन गया. समझ रहे हो हम इसकी बात कर रहे हैं. अगर सीधे तरीके से लावा बाहर निकलने की कोशिश करे और नहीं फैले तो डाइक, और अगर अपने एरिया में ये कमजोर एरिया देख करके वहां फैल जाए तो ये सिल, और फिर वापस एक वेन के जरिए ऊपर आए और फिर इस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करे लावा फ्लो. अंडरस्टूड? जितना ज्यादा आप इस इमेज को क्लियरली देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको ये सारे डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे. दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द वॉल्केनो. सो इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन केस ऑफ डेवलपमेंट इन टू अ सॉसर शेप कॉन्केव टू स्काई बॉडी, इट इज कॉल्ड लैपोलिथ. अगर कॉन्केव स्काई बॉडी बनता है उसे लैपोलिथ कहते हैं. एक वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक डेवलप होता है एंड इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिल्कलाइन और द टॉप ऑफ एंटीसलाइन इन फोल्डेड इग्नियस कंट्रीज. सच अ वे मटेरियल्स हैव अ डेफिनेट कंड्यूट टू सोर्स बीनीथ इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर एंड बेसिकली दीज आर कॉल्ड फैकोलिथ. जब बहुत ही ऐसे बिखरा हुआ सा लावा डिपॉजिट हो जाए अंदर ही, ऐसे होता है जैसे कोई चीज फेंक दी है और बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया है तो उसको कहते हैं. हम ऐसा भी कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन होता है उसे हम लोग फैकोलिथ मान सकते हैं. तो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव रीजंस रॉक्स आर कॉल्ड सिल और शीट डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल. और ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का थिकनेस कितना है. द थिनर वंस आर कॉल्ड शीट व्हाइल द थिकर हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सिल. कुछ इस तरीके से फैला हुआ, अभी बताया मैंने, इन्हें सिल कहते हैं. अगर ये पतला है तो इन्हें शीट कहेंगे, अगर इसकी थोड़ी थिकनेस ज्यादा है हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन की तो इन्हें सिल्स कहेंगे. एंड लास्ट डाइक्स, व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड द फिशर डेवलप इन द लैंड. अगर किसी तरीके से लावा अपने लिए रास्ता बना लेता है और बाहर आ जाता है, फिशर डेवलप कर लेता है यानी कि बाहर आने का एक एरिया जनरेट कर लेता है, देन इट सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड. तो किस तरीके से ग्राउंड पर सॉलिडिफाई होता है,
perpendicular shape mein. And it gets cooled in the same position to develop a walk-like structure. And such structures are called dikes. Right? So these are the most commonly found intrusive form in the Western Maharashtra. हमारे यहाँ पर डाइक के एग्जाम्पल वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत इजीली मिल जाते हैं. दीज आर कंसिडर्ड द फिगर ऑफ द इरप्शन दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेकन ट्रैप्स. और इसी की वजह से हमारे इंडिया का डेकन ट्रैप जो है वो जनरेट हुआ है. तो होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वेरी वेल बाय दीज सोर्सेज. हमारे अर्थ का जो सरफेस है इसमें वेराइटी है और ये वेराइटी जो है कई फीचर्स की वजह से आई. और हमारे अर्थ के इंटीरियर को इसके आउटर की वैरायटी को समझने के लिए अर्थ के इंटीरियर को समझना होगा. और अर्थ का इंटीरियर हमें कुछ सोर्सेस से पता चलता है और आज हमने उन सोर्सेस को अच्छे से समझा. दीज आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस लाइक अर्थक्वेक एंड द वॉल्केनिक इरप्शन. दे आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ. होप यू गाइज अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी वेल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.